हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं ऑटोकैड में ट्यूटोरियल नंबर ये 15 है गाइस। और इसमें हम आज बताने वाले आपको स्केल के बारे में। तो गाइस स्केल को किस तरह से कॉपी करके स्केल बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से अपना फैक्टर बढ़ा सकते हैं स्केल में, किस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे पहले कि आपने हमारे ट्यूटोरियल नंबर 1 से 14 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके वॉच कर सकते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेके चलते हैं, ये मॉडिफाई टूल बार है इधर, ये गाइस ये वाला जो है मॉडिफाई टूल बार है, इसमें यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको ये स्केल का एक लोगो मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे शो कर रहा है। सेकंड है मॉडिफाई में, डायरेक्ट यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको स्केल का कमांड मिल जाता है। दो नेक्स्ट है आपको स्केल डायरेक्ट यस सी एंटर करेंगे, शॉर्टकट की है इसका यस सी एंटर, ठीक है स्केल आ गया। अब बोल रहा है गाइस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जैसे हमें इसका स्केल अप करना है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देन एंटर, देन बोल रहा है गाइस स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, फर्स्ट है कॉपी का, सेकंड है रेफरेंस का। आप कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसी को आर स्केल अप स्केल डाउन करना चाहते हो तो सिंपल रेफरेंस के लिए आर टाइप करनी है एंड एंटर कर देना है, देन रेफरेंस पॉइंट क्लिक ऑन, उसके बाद सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, और देन आप जितना भी इसको स्केल अप स्केल डाउन करना चाहते हो उतना कर सकते हो। तो इस तरह से हमने स्केल अप करके बताया गाइस। इसके बाद दूसरा है जो कॉपी वाला है, कॉपी में क्या होता है, इसमें गाइस डायरेक्ट रेफरेंस लेने से क्या हुआ कि ये आपका जो पहले से ही लाइन था वही स्केल अप हो गया है। बट कॉपी में ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपका पहले से जहां पर है वो वहां पर ही रहेगा, उसका दूसरा कॉपी लेकर ऑब्जेक्ट स्केल अप या स्केल डाउन होगा। तो देखते हैं समझते हैं, यस सी एंटर, क्लिक ऑब्जेक्ट एंटर, देन बेस पॉइंट सिलेक्ट। अब गाइस कॉपी वाला है तो कॉपी के लिए सी एंटर करेंगे, सी एंटर। अब गाइस इसमें आप बेस पॉइंट डाल सकते हैं या अपना स्केल फैक्टर डाल सकते हो। तो अगर फिर रेफरेंस का हमने बता ही दिया आपको, रेफरेंस लेकर उस तरह से डाला जाता, हम एक बार फैक्टर लेके बताते हैं। फैक्टर हमने इसमें 2 डाल दिया, देन एंटर। इस तरह से आपका वो पहले का जो भी आपका ऑब्जेक्ट था वो वहां का वहीं पे रहेगा, लेकिन कॉपी होके दूसरा उसका रेफरेंस ले लेगा गाइस। तो आज आई थिंक आज का वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ज्ञान वाले आपके पास पहुंचे और आप हमारे ऑल वीडियो वॉच कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।